A three-day Urs of Ahmad Raza Khan Barelvi, also known as Urs-e-Rizvi at Dargah Ala Hazrat, is the biggest Urs observed in Bareilly. It is attended by thousands of devotees who come from different parts of the country to pay their respects to the saint and seek his blessings. इस उर्स की ये खासियत है कि तमामी पूरे मुल्क के अंदर जितने भी मदरसे हैं जिसमें उर्दू शिक्षक पढ़ते हैं उसमें जिसे आलिम और फाजिल कहा जाता है वो तमामी लोग इस उर्स में शिरकत करने आते हैं। इस उर्स की ये खासियत ये है कि पूरी दुनिया के जितने भी सुन्नी मुसलमान हैं वो इस उर्स में शिरकत करते हैं और आला हजरत से फैज़ हासिल करते हैं। आला हजरत की खासियत ये है, सरकार आला हजरत ने वो कारनामा दिखा दिया, वो मुजद्दिद और भी आए, मुजद्दिद अल फसानी आए, मुजद्दिद इमाम गजाली आए, मुजद्दिद अल सूती रहमा आए, लेकिन सब ने 300-350 किताबें लिखी। आला हजरत ने 1000 से ज़्यादा किताबें लिखी। कौमी एकता की बात है तो उसमें जो है सब हिंदू मुसलमान सिख ईसाई जितने भी लोग हैं उसमें शिरकत हिस्सा देते हैं, अपने घरों को खाली करके उसमें ठहराते हैं। ये भी एक खासियत है सूर्स की यहाँ पर बरेली शरीफ की। Mujaddid Imam Ahmad Raza Khan Barelvi was a revered Sufi saint in the region who preached the teachings of unity, peace and harmony among the people. He is the founder of Barelvi School of Islamic Thought and has written nearly 1,200 books which have been translated in many regional languages. दीगर समाजी खिदमत भी अंजाम दी, समाज में फैली हुई बुराइयों के खात्मे के लिए आपने तहरीक चलाई और ख़ास तौर पर उस तबके की आपने काफ़ी जो है वो मुखालफत की कि जो तबका तशद्दुद में यकीन रखता था, जो तबका इस विचारधारा पे यकीन रखता था कि अगर हमारे अकीदों को नहीं मानते हो, अगर हमारी विचारधारा को नहीं मानते हो तो ऐसे लोगों को ख़त्म कर दिया जाए, तो ऐसे तबके की आला हजरत ने सख्त और सख्त जो है वो मुखालफत की। Several arrangements were made for the people to offer prayers in memory of the saint. उर्स में अकीदत जो है अपने एक बुजुर्गों के मज़ार पे जो आकर फातिहा पढ़ने के बाद जो एक रूहानी फैज़ हासिल होता है और जो हम अल्लाह से अपने लिए दुआएं करते हैं, अपने रिश्तेदारों के लिए, अपनी कौम के लिए, वो यहाँ आने के बाद हमारा मानना यह है कि इमाम अहमद रज़ा खान फाजिल बरेलवी हमारी उस दुआ की सिफारिश करते हैं, अल्लाह के दरबार में वो दुआ हमारी कबूल होती है। Sufism in India stands for goodwill and unity among the people.